मैंने अपने प्रथम भाग में आप सभी को भारत यूरोपियन यूनियन के संबंध की चर्चा करने की बात कही थी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंध के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। परंपरा की दृष्टि से देखें तो भारत और यूरोपियन देशों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध रहा है। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 1962 एंड इंडिया वॉज द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री विच इस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद यूरोपियन यूनियन। भारत विकासशील देशों में पहला राष्ट्र था जिसने यूरोपीय देशों के साथ अपना संबंध स्थापित किया। वस्तुतः बायलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हैज बीन एक्सपेंडेड सिंस 1962। इस क्रम में हम देखते हैं कि 1973, 1981, 1994 में भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ अलग अलग समझौते किए और इस क्रम में जहाँ तक भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच संबंधों का प्रश्न है, ये संबंध तेजी से आगे बढ़े। 90 के दशक के बाद, विशेषकर 1996 में व्हेन इंडिया साइंड विद यूरोपियन यूनियन ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और 1990 का कालखंड आप सभी जानते हैं कि भारत में नई आर्थिक नीतियों के प्रारंभ का काल था। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में हमने उदारीकरण की प्रक्रिया स्वीकार की थी और इस लिहाज से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच संबंधों में निरंतर सुधार होना अवश्यंभावी था। इस क्रम में 1991 के बाद जो पहली लिस्बन समिट हुई 1991 में, लिस्बन समिट 2000 में हुई, उसमें भारत ने हिस्सा लिया और यूरोपियन यूनियन ने भारत की जो वैश्विक महत्ता थी, ग्लोबल इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया वाज वेल रिकग्नाइज्ड बाय यूरोपियन यूनियन। आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर बिटवीन द टू सुपर पावर्स एंड डिमाइज ऑफ सोवियत यूनियन, देर वॉज नो वे आउट फॉर इंडिया, ओनली वे वॉज टू गो क्लोजर विद यूरोप, एंड इन दिस एंडेवर इंडियन इफर्ट्स वेर एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप विद ईयू कंट्रीज। वस्तुतः हम देखते हैं कि भारत एक ऐसा मुल्क था जिसके साथ यूरोपियन यूनियन ने भी अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में रुचि दिखाई, क्योंकि इसके पहले तक इंडियन यूरोपियन यूनियन का संबंध दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के हिसाब था जो यूरोप के बाहर थे, जिसमें चीन था, अमेरिका था, कनाडा था, रसिया था, जापान था, यही कुछ ऐसे मुल्क थे जो यूरोपीय यूनियन के दायरे के बाहर थे और उनके साथ यूरोपियन यूनियन अपना संबंध मजबूत बनाना चाहती थी। लेकिन भारत के साथ संबंध स्थापित हो जाने के बाद, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट हो जाने के बाद,
यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ संबंध बनाने में रुचि दिखाई और तब से लेकर के वर्तमान तक समय समय पर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में रेगुलर समिट मीटिंग आयोजित होती रही हैं। वर्ष 2004 में हेग में ब्रिटिश प्रेसिडेंसीप में एक सम्मेलन आयोजित हुआ और इस हेग सम्मेलन के अंतर्गत हमने वस्तुतः हेग सम्मेलन भारत और यूरोपियन यूनियन देशों के बीच में एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इस वर्ष यूरोपियन यूनियन और भारत दोनों इस बात पर सहमत हुए कि दोनों ही को आपस में मिलकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना चाहिए और इसीलिए एक भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया और दोनों ही भारत और यूरोपियन यूनियन ने इससे भी आगे बढ़ कर एक एम्बिशियस वाइड रेंजिंग ज्वाइंट एक्शन प्लान एडॉप्ट किया जिसको हम लोग जैप के नाम से जानते हैं, ज्वाइंट एक्शन प्लान, विच दिस प्लान सेट द कोर्स फॉर फ्यूचर ऑफ यूरोपियन यूनियन इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। वर्तमान समय में भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों ही नेचुरल एलाई माने जाते हैं। इंडिया एंड यूरोपियन आर बोथ कॉल्ड नेचुरल पार्टनर्स। व्हाई नेचुरल पार्टनर्स? बिकॉज बोथ बिलीव इन कॉमन वैल्यूज, दे शेयर कॉमन वैल्यूज लाइक डेमोक्रेसी, प्लूरिज्म, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। हाउएवर दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट इंडिया हैज रिमेन्ड ए डिफिकल्ट पार्टनर फॉर यूरोपियन यूनियन इन मेनी वेज एज सी हैज एडॉप्टेड डिफरेंट पोजिशंस, डिफरेंट पोस्चर्स इन टैकलिंग डिफरेंट इशूज लाइक सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एटसेट्रा। एनी वे दिस हैज ट्रिगर्ड ए डिबेट बिटवीन सपोर्टर्स एंड अपोनेंट्स ऑफ इंडिया यू रिलेशनशिप। सम सेज दैट इंडिया यूएस, इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशनशिप इज ए लॉलेस लव मैरिज, एक ऐसा विवाह है जिसमें प्रेम नहीं है, यानी संबंध ऐसा है जिसमें दोनों को बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ लगाव नहीं है। लेकिन यह दूसरा मुद्दा है, इस पर कभी विस्तार से बात की जाएगी। आज जो महत्वपूर्ण डिस्कशन है वह इस बात को लेकर है कि व्हाट आर दी मेन एरियाज ऑफ कंसर्न ऑन विच इंडिया एंड यूरोपियन हैव गिव देयर एग्रीमेंट्स, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिस पर भारत और यूरोपियन यूनियन का दृष्टिकोण समान है। जैसे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट कोऑपरेशन, फॉरेन एंड सिक्योरिटी इश्यूज, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल गवर्नेंस एंड मिलिटरिज्म, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द कोर इशू ऑन विच देर इज कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। जब हम भारत और यूरोपियन यूनियन के भविष्य की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इंडिया
relations with European Union and its member states will continue, it will be productive, at the same time difficult. Main criticism of European Union India's partnership is obvious, because there is difficulty of both to develop a common policies from three regions. यूं कह सकते हैं कि तीन ऐसे कारण हैं जो भारत और यूरोपियन यूनियन के देशों को एक दूसरे के साथ अधिक सहयोग करने से बाधा उत्पन्न करते हैं. नंबर वन कि आइडेंटिटी का सवाल है, कुछ नॉर्म्स का सवाल है, कुछ इंटरेस्ट का सवाल है, और सबसे बड़ी है कि एम्बिशन और कैपेबिलिटी का सवाल है. अगर आइडेंटिटी, नॉर्म्स, इंटरेस्ट, एम्बिशन, कैपेबिलिटीज में सहमति बन जाए तो दोनों ही के बीच एक भविष्य का, सुखद भविष्य का निर्माण हो सकता है. वी मस्ट रिमेंबर दैट यूरोपियन यूनियन इज नॉट ए स्टेट. सिंस इट इज नॉट ए स्टेट, इट शुड नॉट बिहेव लाइक ए स्टेट, इट शुड नॉट एक्ट लाइक स्टेट्स. यूरोपियन यूनियन इज एन एंटिटी एंड दिस एंटिटी मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड. यूरोपियन यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, एंड दैट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड. इंडिया फ्रॉम इंडियन परस्पेक्टिव इट इज होप्ड दैट इंडिया विल कंटिन्यू टू कोऑपरेट विद यूरोपियन यूनियन व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ ट्रेड्स, मैटर ऑफ कॉमर्स, मैटर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स. But when it comes to security, foreign policy, India will have to adopt its posture as per her national interests. Hence, we can conclude by saying that India and European Union both have facing structural constraints, limitations, there are problems, but despite of all these constraints and difficulties, we can say that India will continue its cooperative agenda with European Union, and this partnership will flourish a bright future for the people of both the regions, India and European Union. Thank you very much.